हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज जो शेयर लेके आया था वो लेके आया था फाइबर वेव इंडिया लिमिटेड, एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह काम करता है। तो आप भी पेनी स्टॉक की तरह ही लेंगे। और जहाँ तक इसके 52 वीक लो हाई की बात करें तो 1340 का लो है, 97 का हाई है। इससे तो ये 176 का भी हाई लगा चुका है। और इसमें एक बाइंग सेंटीमेंट है, बाइंग अच्छा है और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बाइंग है इसमें। देखेंगे सेंटीमेंट भी देखेंगे तो 100% बाइंग सेंटीमेंट है। पी रेशियो 6.14, इंडस्ट्रीज 27 है। डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा तो 70, 59, 90% के साथ डिलीवरी इसमें आ रहा है। तो अच्छी खासी डिलीवरी के साथ इसमें बाइंग चालू हुई है। अभी फेस वैल्यू 10 रुपये का है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है 2.55, और भी अच्छी बात है, डिविडेंड भी पेड करती है कंपनी। क्या करती है ये, मैन्युफैक्चरर स्पन बन नन वेन फैब्रिक्स बनाती है, जिसको ऑयल फिल्टरिंग वगैरह में या मेडिकल में या कहीं पे बल्क हाउस में फिल्टरिंग पर्पस से इसको यूज किया जाता है। दूसरा देखेंगे तो मेडिकल में इसका जो यूज होता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे इसका यूज होता है। और इसका और एक है मेल टू वेन फैब्रिक्स में भी है, स्पन वन नन वेव फैब्रिक्स, जो कि मेडिकल में नाक वगैरह में हम लोग पहनते, इसमें लगाते हैं, यूज करते हैं, वो है वहाँ पे है। अब देखेंगे तो मेडिकल फैब्रिक्स, ऑयल एब्जॉर्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्ट्रेशन, सैनिटरी प्रोडक्ट्स, अपैरल, यहाँ पे ये पीपीओवेन के रूप में काम करता है और यहाँ यहाँ पे इसका यूज होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेल्ट वन फैब्रिक्स बिकम पॉपुलर इन मेडिकल एंड फिल्टर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ये सब नैपकिन के लिए, हाँ बाथरूम में यूज होता है। तो ये सब ऐसे करके इनका यूज है। तो आप समझ गए ये इनका प्रोडक्ट क्या है। और अगर इसका फाइनेंशियल देखें तो एक बार फाइबर वेब इंडिया लिमिटेड जाएंगे तो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पन बॉन्ड नन वेन फैब्रिक्स फ्रॉम पॉलीप्रोपिलीन, पीपी से बनता है। अब इसकी फाइनेंशियल देखें तो 52 वीक लो है 9713 है, डिविडेंड पेइंग है 2.8 से। सबसे अच्छी बात इसका बता दो, सेल्स ग्रोथ 44.50 से हो रहा है, कोई डेब्ट की कंपनी नहीं है। प्राइस टू कैश 3.17 है, बिलो मतलब समझे 10 तो बहुत होता है, बिलो 3-4 पे मिल रहा है। प्रमोटर खुद अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, गिरवी कुछ भी नहीं रखा हुआ है। ऐसा पेनी स्टॉक इसको नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ पेनी, कि बहुत सस्ते में फ्री में मिल रहा है आपको। इसका 1340 का लो है और इसके चार्ट पे भी जाएंगे तो बहुत लो है, अब इससे लो इसका नहीं बन सकता है। और अगर मैं इसमें अगर इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी दिखाऊं तो आप देखेंगे प्रमोटर खुद 45.8% से 44.5.2 बढ़ा रहा है, और हाईएस्ट प्रमोटर भविष्य पी सेठ जी के पास है जो कि 17% है। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर से होल्डिंग, और यहाँ पे कोई भी गिरवी शेयर नहीं रखा हुआ है, एक अच्छी चीज है। अगर फाइबर वेल के चार्ट को देखें, मंथली चार्ट को, तो इसका लो जो था जहाँ से ये चालू हुआ था, ये 13 रुपये 30 पैसे, 13 रुपये 35 पैसे के पास चालू, 11.84 से चालू हुआ था लो। अब इसका लो आप देखेंगे तो इसी दायरे में बना था, यहीं से ये हाई बना करके 176-178 गया था। और अगर इसका मंथली पैटर्न में देखें तो अब जब रेड कैंडल कंटिन्यू बन रहा था तो मैं मंथली देख रहा था, तो मंथली पे आपको बाइंग सिग्नल मिल रही है। अगर मैं इसी को वीकली कर दूं तो आपको वीकली बेस पे भी यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिल रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब जो सेल था वो खत्म हो चुका है और अब जो है बाइंग आ चुका है। तो 11.34 का जो इसका लो था, अब उसका स्टॉप लॉस लगा लें 11.34 का, और इसमें बाइंग सेंटीमेंट से इसमें आप चाहे तो बैठे रहे। आज का सीएमपी कितना है, करंट मार्केट प्राइस 19 रुपये 60 पैसा। आज इसने 22,000 की वॉल्यूम की, वॉल्यूम बहुत कम होता है इसमें, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख यही होता है, और 9% के ग्रोथ से ये आज आपको ग्रोथ दिखाया है। तो ये एक अच्छा पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म 3 साल में हो सकता है, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा तो भी 48-50 दिखा देगा आपको कभी भी। 19 19 का 48, 3 गुना 4 गुना 2 से 2.5 साल में होना, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा दिखता है, फाइनेंशियल खराब नहीं है इसका। कहीं पे भी फाइनेंशियल इसका देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% है, प्रॉफिट 25 करोड़ का है, मार्केट कैप छोटा है, बहुत स्मॉल कैप है, 51 करोड़ का है। प्राइस टू कैश, इसके पास इतना कैश रहता है कि आप समझिए कि उसकी क्या वैल्यू है उसकी।
डिविडेंड पेइंग कंपनी है 2.8% से, तो अब ऐसे स्टॉक में आपको क्या चाहिए? मेरे अंदाज से फाइबर ऑफ इंडिया एक अच्छा लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है यहाँ से, तो आप इसको 176 का समझिए। लोगों ने, किसी ने 170-176 में भी बाई करके इसको रखा हुआ है, यहाँ पे ये स्प्लिट हुआ था और फॉल किया था, और यहाँ 150-160 से भी लोगों के पास एक्विजिशन करके होगा, आपको 11 रुपये में मिल रहा है। आप समझिए 19 रुपये के आज ही भाव है, आज का जो भाव है 19 रुपये 60 पैसे, तो आप इसको लेके रख के अपने पोर्टफोलियो में वेट करके देख सकते हैं। ये मल्टी बैगर स्टॉक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।